हेलो, हाय, नमस्कार। आप सबका स्वागत है रॉयल आइस के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आज के न्यूज आर्टिकल को स्कैन कर रहे हैं। स्कैन इन द सेंस कि अपने यूपीएससी या यूपीपीसीए से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये अभी से लेकर के 1 ईयर तक के जो भी कंपटीशन होंगे उनके लिए रिलेवेंट है। पर्टिकुलरली अपना फोकस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पे है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। ये फार्मर्स का जो इशू है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले भी हमने कहा है कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, जो आप 3 लिस्ट है उसमें एक स्टेट लिस्ट में डाला गया है। तो पहला रीजन ये है कि हर एक स्टेट को राइट बनता है एग्रीकल्चर फॉर्म पे लॉ बनाने का। पर्टिकुलरली सेंटर ने जब 27 सितंबर 2020 को इसे इनेक्ट किया फॉर्म बिल को, प्रेसिडेंट ने जिस दिन मंजूरी दी, वो डेट था 27 सितंबर 2020। और आपको भी मैं सलाह दूंगा, पेन पेपर रखा करें और नोट कर लिया करें। सारी चीजें इस पे नहीं लिखी जा सकती है, बट बिलीव मी, सारी चीजें टू द पॉइंट है और केवल वही है जो आपको एक नॉलेजेबल पर्सन बनाएगा। इन्फॉर्मेटिव नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं देता मैं कभी, हमेशा नॉलेज शेयरिंग की बात होगी। तो 27 सितंबर 2020 को ये 3 बिल आए थे। वो बिल कौन कौन से थे, जो सबसे आसान है वो मैं पहले बता देता हूँ आपको, नॉट इन ऑर्डर। एक इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कुछ चीजों के प्राइस को रेगुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट बिल था इसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट, ऑब्वियसली 2020। इसमें प्राइस को रेगुलेट किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि ओनियन है, ओनियन का किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइस बढ़ गया तो गवर्नमेंट उसे नोटिफाई कर सकती है ओनियन को। दूसरा जो एक्ट था वो इम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फार्म एक्ट रहते हैं तो भी, नहीं रहते हैं तो भी। इम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन की जब बात की गई है बिल में, तो ये अगेंस्ट कैसे हो सकता है, ये हर किसी को सोचना चाहिए एक बार। जो सेकेंड बिल है वो एक्चुअली एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस पर है। प्राइस एश्योरेंस की बात की गई है, यानी आपको जो प्राइस किसी कारपोरेट वर्ल्ड के साथ बात होगी वही पे किया जाएगा। सपोज कीजिए मेरे पास 1 हेक्टेयर लैंड है और मैंने उसे पार्ले जी वाले को बोला कि ठीक है, मैं यहाँ पे जो व्हीट प्रोड्यूस करूंगा, गेहूं प्रोड्यूस करेगा, वो सारा गेहूं आप ले जाना। प्राइस पहले ही डिसाइड हो जाएगा बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट। जो भी प्राइस डिसाइड होगा वो पार्ले जी को देना पड़ेगा। उस व्हीट की जिम्मेदारी, अगर मान लो कोई रोग लग गया, रस लग गया, तो ये वो भी सफर करेगा, किसान सफर नहीं करेगा। दैट इज प्राइस एश्योरेंस। सो दूसरा एक्ट प्राइस एश्योरेंस से रिलेटेड है, जिसमें फार्मर को इम्पावर करने की बात की गई है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको फिक्स प्राइस मिल रहा है, चाहे जो भी हो जाए, फ्लड आ जाए, सूखा पड़ जाए, कोई रोग लग जाए फसल को, फिर भी आपको पैसे मिल रहे हैं, दैट इज प्राइस एश्योरेंस। ऐसा नहीं है कि मैं फार्म बिल को सपोर्ट कर रहा हूं, बट वी मस्ट एटलीस्ट गो वंस, है ना। उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि क्या गलत है इसमें। जो चीजें रोड पर हो रही है वो तो ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है इसमें। थर्ड जो लॉ है, थर्ड जो बिल है, वो फिर से प्रमोशन और फैसिलिटेशन को लेकर के था। फार्मर्स की जो जरूरतें होती हैं उनको, फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनको प्रमोट करना, उनको इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड करवाना और फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। इस एक्ट का नाम था FPTC। जो तीसरा एक्ट है वो है FPTC, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, शॉर्टकट में FPTC कह सकते हैं। तो जो ये तीन है, प्राइस एश्योरेंस एंड प्रोड्यूस प्रमोशन, प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, और इसेंशियल कमोडिटी है, कोई ऐसा इंटेंशन वर्ड ना तो यूज किया गया है इंटेंशनल, और ना ही ऐसा कोई क्लॉज है जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। एनीवे, लीव इट। सो ये बहुत दिनों से चल रहा है और डेली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा इसमें। तो हमें फोकस दो तीन चीजों पे करना है। पहला तो ये कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, हर एक स्टेट को ये राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो इस पे लॉ बनाए। दूसरा ये
कि जो बिल्स हैं उन बिल को आप डिटेल में एक बार पढ़ लें, उसके क्लॉज के बारे में पूछा जा सकता है, इंक्लूडिंग प्री, इंक्लूडिंग मेंस, और इंटरव्यू में मुझे नहीं लगता कि किसी का यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू अब के बाद बिना फॉर्म बिल को डिस्कस किए हो जाएगा। कम से कम आपसे इतना तो जरूर पूछा जाएगा कि आप क्या कहते हैं, क्या गलत है। अब आप कहेंगे हाँ गलत है, आपको लगेगा कि फार्मर ये कर रहे हैं, तो फिर इंटरव्यू वाले बोलेंगे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कहेंगे कि फिर एक बात बताओ, गवर्नमेंट बेवकूफ है, फिर गवर्नमेंट गलत है, आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, आप गवर्नमेंट को भी नहीं गलत कह सकते। तो आपके पास जो टाइम है उसमें आप एक न्यूट्रल और जो ट्रू है, कभी कभी ऐसा है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उसके लॉ को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, बट दैट मस्ट बी एडहेयर टू ट्रूथ। सो लीव इट, दिस वॉज द फर्स्ट टॉपिक। एक छोटा सा आर्टिकल और आया है, अपोजिशन स्लैम्स यूपी गवर्नमेंट। ये अपोजिशन स्लैम्स यूपी गवर्नमेंट से एक यूपीएससी स्टूडेंट को क्या याद आना चाहिए कि अपोजिशन का कंसेप्ट है क्या, क्या इंडिया में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, क्या इनमें शुरुआत से रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था इनिशियली जब लोकसभा एग्जिस्टेंस में आया था। ये कंसेप्ट काफी लेट डेवलप किया गया है, और ये कंसेप्ट डेवलप किया गया था ईयर 1977 में। मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहा हूं। एक एक्ट आया था सैलरी एंड अलायंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, कब आया था ये? 1977 में। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं भी उसका पार्ट था उस पेपर का प्रीलिम्स में, लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट कब क्रिएट किया गया था? तो ये 1977 में किया गया था एक पार्लियामेंट्री एक्ट से, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसा नहीं है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ठीक है? तो इन बातों का ध्यान रखें आप। फर्दर, अपोजिशन ऑफ लीडर अभी कौन है लोकसभा में? शायद आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कोई नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी को उतनी सीटें मिली नहीं है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो क्राइटेरिया एक इस एक्ट में 1977 वाले में रखा गया था उसे पूरा कर सके। और कोलिजन गवर्नमेंट में कोलिजन पार्टियां, अगर अपोजिशन पार्टियां कोलिजन बना ले फिर कहे हम अपोजिशन ऑफ लीडर दे रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर। राज्यसभा में ऑब्वियसली खड़गे साहब हैं, सबको पता होगा आपको, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है जैसे मान लीजिए 3 साल अभी बचा हुआ है टर्म में लोकसभा का, तो ऑप्शन मिल जाए किसी का नाम दे दे कि दिस मिस्टर इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना? तो लोकसभा का अभी कोई स्पीकर नहीं है। एससी, ऐसा शायद ही कोई दिन होता है जब सुप्रीम कोर्ट नहीं मिलता है हमें। यहां न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट लेसेस आउट फार्मर्स ग्रुप, हर एक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को लैंड ऑर्डर को बनाए रखने का, है ना, एग्जीक्यूटिव को गाइड करने का, लेजिस्लेटिव को डायरेक्शन देने का ताकि लैंड ऑर्डर बना रहे, लॉ ऑफ लैंड है ये। नो अकाउंटेबिलिटी व्हेन अस्टर टर्म्स वायलेंट, सुप्रीम कोर्ट काफी भड़क गई है फार्मर्स पे कि कुछ अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन इतना कैसे वो हो सकता है। देखिए इसमें कुछ ऐसा टर्म तो नहीं मिल रहा है जिस पे फोकस किया जाए, एससी के बारे में पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 4 पार्ट 5 आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ ऐसा है, एक आर्टिकल है कि गवर्नमेंट अनाउंसेस प्लान टू टैकल पोल्यूशन इन वाटर। अब ये गवर्नमेंट कहां की है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस गवर्नमेंट ने कहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पोल्यूशन ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है, वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर क्या है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। अपना फोकस होना चाहिए कि किसी भी वाटर बॉडी को कब पॉल्यूट माना जाएगा, क्या कोई क्राइटेरिया है? जी हाँ क्राइटेरिया है, अगर हम बैक्टीरियल टर्म में बात करें तो अलग क्राइटेरिया है, जनरल टर्म में बात करें तो अलग क्राइटेरिया है। उन क्राइटेरियाज में से मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं, लाइक आप पीएच वैल्यू से, जो इंडिकेटर है इसके पोल्यूशन के, आप पीएच वैल्यू से ये डिसाइड कर सकते हैं कि वाटर कितना पोल्यूटेड है। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बार बार पूछा जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्या पूछा जाता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन, किसी भी अमाउंट ऑफ वाटर में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि वाटर पॉल्यूटेड है या नहीं। टेम्परेचर, सैलिनिटी,
एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स। मैं उन न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूं जिसमें फास्फोरस या नाइट्रोजन जैसी चीजें होती है, ये सब भी डिसाइड करता है। इसके अलावा कंडक्टिविटी, ये भी डिसाइड करता है कि वाटर कितना पॉल्यूट है या कितना क्लीन है। चलिए आगे चलते हैं। एक और छोटा सा हेडलाइन है, ये बाद के पेज में आपको डिटेल में मिलेगा। नो स्टेट कैन डिनाई रुपीज 50,000 एक्स ग्रेसिया, एससी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई कोविड पेशेंट कोविड के कारण उसकी डेथ होती है तो 50,000 का जो अमाउंट है वो डिनाई नहीं किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि ये कौन डिसाइड करता है कि 50,000 का अमाउंट दिया जाएगा, क्या कोई रूल है? जी हाँ, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कुछ बच्चे अक्सर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके फाउंडेशन ईयर के बारे में अक्सर पूछा जाता है। सीधी सी बात है, पहले एक्ट आएगा फिर अथॉरिटी आएगी। ये एक्ट इनैक्ट किया गया था 2005 में, वो दिन था 23 दिसंबर। अब डेट तो एग्जैक्ट बहुत कम चांस है कि पूछते हैं, स्टेट पीसीएस वाले पूछ देते हैं। 23 दिसंबर, आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा 23 दिसंबर से, आई नो। 23 दिसंबर 2005 को एक्ट लाया गया था, NDMA एक्ट लाया गया था। और 2006 में, 27 सितंबर 2006 में NDM अथॉरिटी बनाया गया था। तो क्वेश्चन को करने से पहले यह देख लें आप कि वो अथॉरिटी पूछ रहा है कि एक्ट पूछ रहा है, ठीक है? ये बाद के पेज में भी मिलेगा, वहां हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये NDMA एक्ट में ही है कि जब कभी इस टाइप के डिजास्टर्स आएंगे तो जो डिजीज होते हैं उनको 50,000 एटलीस्ट दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही याद दिलाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, पिछले 2 साल से ये राउंड ऑफ कर रहा है, घूम रहा है बार बार अपने स्टडी टेबल पे, और ये है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट से रिलेटेड वैसे तो बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे एक याद आता है हमें 1927 का एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट 1927, जो फॉरेस्ट ड्वेलर को राइट देता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, जो माइनर प्रोड्यूस होते हैं, मतलब वो पूरा का पूरा पेड़ तो नहीं ले जा सकता। माइनर प्रोड्यूस का मतलब होता है कि पत्तियां हुई, सूखी हुई टहनियां हुई जो गिर जाते हैं जलाने के लिए, या बहुत तरह के जड़ी बूटे हैं, जो बूटियां हैं जो बेच करके वो अपना जीवन यापन करते हैं, इन्हें माइनर प्रोड्यूस कहा जाता है। माइनर प्रोड्यूस का एक लिस्ट बजाबता बना हुआ है, अगर आप फॉरेस्ट्री वगैरह आपने पढ़ना है तो उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। जो DFO की तैयारी करते हैं, IFO फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी करते हैं, उनको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। खैर, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में गवर्नमेंट ऐसा क्या चाह रही है और क्यों ये हाईलाइट हुआ है, क्यों ये न्यूज में आया है, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो एजेंसी जो ये डिसाइड करती हैं कि किसी भी जगह से फॉरेस्ट कवर को रिमूव करना है या नहीं करना है, ऐसे एजेंसीज को डिसॉल्व किया जा रहा है। ऐसी एजेंसीज अब किसी काम की नहीं रह गई हैं, पर्टिकुलरली तब जब मैटर नेशनल सिक्योरिटी किया जाती है, किसी ऐसे खास मौके की आ जाती है जब फॉरेस्ट को वहां से विलुप्त किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है फॉरेस्ट कवर को, ऐसा गवर्नमेंट क्लॉज लेकर आई है। इस क्लॉज पे काफी पहले से बवाल मचा हुआ है, अच्छे से मुझे याद आ रहा है कि कोई भी नोटिफिकेशन आने के बाद गवर्नमेंट पब्लिक से उसके थॉट्स के बारे में पूछते हैं, एक टाइम दिया जाता है। इस वाले में जो टाइम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, अभी करीब 6-7 महीने पहले की बात है, खूब बवाल मचा था इस पे भी, गवर्नमेंट ने कहा कि कोरोना चल रहा है इसलिए हमने ऐसा किया, तो जल्दबाजी गवर्नमेंट ने मचाया था इसमें। यहां पर बात हो रही है मेनली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की, जो कि 1980 में आया था। ये एक्ट 1980 का एक्ट है और ये सबसे पहले अमेंड हुआ था 88 में। एक्ट है और ये 1988 में इनैक्ट किया गया था।
थोड़ा पेन का इशू आ गया है, चल रहा है। 1980 इसे इसका अमेंडमेंट किया गया है 1988 में, तो इसी बात पे बवाल चल रहा है कि गवर्नमेंट ऐसे कैसे डाइल्यूट कर सकती है किसी भी प्रोविजन को। सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब लागू हुआ था, 1980 में आया ये। एक और हेडलाइन यहां दिख रहा है कि स्टालिन जो कि टीएन के सीएम हैं, इन्होंने 12 स्टेट के सीएम को एक लेटर लिखा है कि सब मिलकर के नीट पर एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ एजेंडा बनाओ। नीट एजुकेशन से रिलेटेड है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है ये, जो 7th शेड्यूल है अपना उसमें ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। 52 नंबर एंट्री है इसकी। कुछ चीजें आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, इंटरव्यू में बड़ा इंप्रेस हो जाएंगे आपके इंटरव्यूअर। जैसे एग्रीकल्चर 33 नंबर पर है स्टेट लिस्ट में, ये 52 नंबर पर है कंकरेंट लिस्ट में। और एक अच्छी बात यह है, कि स्टेट अगर एजुकेशन पे चाहे तो अपना लॉ बना सकती है, क्योंकि कंकरेंट में है। स्टालिन साहब ने जो तमिलनाडु के सीएम हैं, इसी प्रोविजन को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने 12 स्टेट के सीएम को लिखा है कि आप सब मेरा सपोर्ट करें। नीट क्या है डिटेल में आपको पता होगा, मैं यहां इतना फोकस करना चाह रहा था कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है। आगे देखते हैं, आगे कौन सा न्यूज अपना इंतजार कर रहा है। ये वही जो हमने बात की थी, प्लान टू टैकल पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन मैंने आपको बताया, कुछ इंडिकेटर्स हैं इसके, आपको याद हो बहुत बेहतर है। कुछ और छोटी मोटी चीजें जो जनरल लाइफ में बहुत यूज होता है, जैसे कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड वाटर कौन है, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर कौन सा है, ये सब भी याद रखा करें। देखते हैं अगले न्यूज की तरफ, कुछ अपने काम का और हो। एक रिपोर्ट आया है कि तेलंगाना अपोजिट आंध्र प्रदेश वाटर प्रोजेक्ट प्लान। याद कीजिए, इंडिया का सबसे बड़ा इरिगेशन लिफ्ट प्रोजेक्ट तेलंगाना ने शुरू किया था, और वही तेलंगाना आंध्र प्रदेश का एक वाटर प्रोजेक्ट है कृष्णा रिवर बेसिन में, तो उसे तेलंगाना को आपत्ति है उससे। इसका नाम है हांद्री नीवा सुजाला सरवंती, शॉर्टकट में इसे कहते हैं HNSS। ऑब्वियसली बात है तेलुगु नेम है, हम आप जैसे नॉर्थ इंडियन बहुत अच्छा प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन शॉर्टकट तो याद रख ही सकते हैं HNSS। ये एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि वाटर को लिफ्ट किया जाएगा, फिर वो इरिगेटेड एरिया जो सेलेक्ट किया गया है वहां पे भेजा जाएगा उसे। तेलंगाना को इस बात पे आपत्ति है, उसे लगता है कि उसे कम पानी मिलेगा। खैर, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि तेलंगाना क्या चाहता है और आंध्र प्रदेश क्या चाहता है। हम इसमें इंटरेस्टेड है कि अगर दो स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट होता है, पर्टिकुलरली रिवर को लेकर के, तो कौन डिसीजन देगा फाइनल? क्या कोई एक्ट है, क्या कोई रूल है, या स्टेट गवर्नमेंट आपस में बैठ करके ही डिसाइड कर लेगी? एक्चुअली एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 262, ये आर्टिकल नंबर 262 ये कहता है कि देयर विल बी इनर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। और एक चीज और याद रखें, क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि अगर दो स्टेट आपस में भिड़ जाएं पानी को लेकर के, कि तुम कम दे रहे हो हम ज्यादा दे रहे हैं, जैसा कि है रिवर व्यास को ले लीजिए, जो रिवर व्यास है पंजाब और हरियाणा लड़े पड़े हैं, यमुना दिल्ली हरियाणा उत्तराखंड लड़े पड़े हैं, कावेरी वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर वाटर डिस्प्यूट, चार चार स्टेट भिड़े पड़े हैं, तीन तो आप जानते ही होंगे, केरला कर्नाटका तमिलनाडु, चौथा पुडुचेरी है जो कि एक यूटी है। तो वाटर डिस्प्यूट हमारे कंट्री में कमी नहीं है, इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल। हम नेशनल यानी इनर स्टेट की बात कर रहे हैं। इनर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 262 मना करता है कि आपके पास बहुत आर्टिकल है, 124 से लेकर के 147 तक, आप इसमें अपना हाथ मत डालिए, ट्रिब्यूनल इज मोर देन सफिशियंट। तो याद रखें, सुप्रीम कोर्ट कभी भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है।
जो भी होगा आपस में या तो ये कर लें या ट्रिब्यूनल के पास जाएं और ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल फैसला होगा। ठीक है, तो ये रिलेटेड था तेलंगाना के ऑब्जेक्शन से। आइए देखते हैं आगे कौन सा आर्टिकल आपके काम का है और आपका वेट कर रहा है। सो अपना नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है कि जावेद अख्तर साहब को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इनके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया गया है। अपना इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि क्यों इनको किया गया, कब किया गया। अपना इंटरेस्ट इसमें है कि लॉ कौन सा है जो इन चीजों को डिसाइड करता है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। इन पे जो सेक्शन लगाया गया है 499 डिफेमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम बहुत ही फन है, 499 हर किसी को याद रहेगा। और अक्सर डिफेमेशन से रिलेटेड आप देखते होंगे कि अक्सर एक लीडर दूसरे लीडर पे लगाता है कि मैं इतने करोड़ का डिफेमेशन केस करूंगा। फिल्म इंडस्ट्री वाले लगाते हैं आरोप कि मैं इतने करोड़ का, इतने अरब का डिफेमेशन केस करूंगा, करोड़ से नीचे कोई बात ही नहीं करता है। और वो कभी कभी सच भी होता है। 500 जो सेक्शन है आईपीसी का वो पनिशमेंट के लिए है। तो डिफेमेशन याद रहेगा 499 और 500 आईपीसी का। ये आईपीसी आया कब था? आईपीसी हुआ, एविडेंस एक्ट हुआ, सीआरपीसी हुआ। मेनली ये तीन हैं जो इंडिया में क्राइम को किसी भी लेवल का हो, नेशनल सिक्योरिटी में भी कभी कभी एविडेंस एक्ट वगैरह को यूज किया जाता है, तो इन सब का, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है। इनके ईयर्स आपको याद हो तो मैट्रिक समाज टाइप के क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आईपीसी की बात करें, 1860 में आया था, दैट्स वाई कहा जाता है ये 150 साल पुराना हो गया और उस आईपीसी को हम आज तक यूज कर रहे हैं, जबकि नेचर ऑफ क्राइम चेंज हो गया है। ये चीजें आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी। क्राइम कम नहीं होने का एक रीजन ये भी है, ये बहुत ही आर्काइक टाइप का लॉ है। सोचिए आप 1860, है ना, सेंचुरी से ऊपर हो गया, दूसरा सेंचुरी होने जा रहा है, तब का आईपीसी चल रहा है अभी तक। एविडेंस एक्ट इससे कम पुराना नहीं है, 1972 का है एविडेंस एक्ट। सीआरपीसी नया है, 1973, ये 1872 का है एविडेंस एक्ट और ये है 1973 का। यानी सीआरपीसी 20th सेंचुरी का है जबकि वो दोनों 19th सेंचुरी के हैं। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है आईपीसी 1857 के बाद आया है, इससे आप याद रख सकते हैं, है ना, क्या करने के लिए आया होगा अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो डिफेमेशन एक्ट सेक्शन 499 और 500 आईपीसी का। अगर आपका नाम, आपको कोई बोल दे कि तुम चोर हो और आप चोर नहीं है, तो आप डिफेमेशन एक्ट के तहत, डिफेमेशन जो आईपीसी है उसके अगेंस्ट आप केस दर्ज करवा सकते हैं। एक आर्टिकल अपना इंतजार कर रहा है, अटैक ऑन चर्च केस। उत्तराखंड के डीजीपी का कहना है, द हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर का कहना है कि जिसने भी चर्च पे अटैक किया है हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अपना इंटरेस्ट इसमें यह है कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसके अंदर वो एक्शन लेंगे, उनको कौन पावर देता है एक्शन लेने का, चर्च पे, मॉस्क पे, टेम्पल पर, इन सब पे अगर कोई अटैक करे, इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, तो कौन सा एक्ट है, क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में या आईपीसी सीआरपीसी में जिसके तहत एक्शन लिया जाएगा। याद कीजिए आर्टिकल 29 और 30 जो कल्चरल राइट देता है आपको, हर एक अधिकार देता है अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को डिफेंड करने का। कौन कौन सा आर्टिकल? 29 और 30 दोनों में क्या अंतर है ये मैं आप पे छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगर क्लियर हो तो भी, नहीं क्लियर हो तो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताऊंगा कि 29 और 30 में अंतर क्या है। वैसे 29 और 30 को कम्यूटेटिवली कल्चरल राइट के नाम से जाना जाता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आपको हर एक अधिकार है अपने कल्चर, और अगर आप माइनॉरिटी हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो उसे चलाने का, उसे फ्लोरिश करने का आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है ये। तो उसी के तहत कहीं ना कहीं इन राइट्स को डिफेंड करने के लिए डीजीपी साहब ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट की नजर पड़ेगी तो इनको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। आज के 5 अक्टूबर के द हिंदू में जो एडिटोरियल आया है उसका हेडिंग है एन अल्फावेट
सूप न्यू दिल्ली नीड्स टू शिफ्ट थ्रू अल्फाबेट सूप। ये महाशय ये कहना चाह रहे हैं कि ए से ले करके और जेड तक ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, और ए से तो कई हो गए, हाल ही में ऑकस बना है, उससे पहले एशियान था। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद होने चाहिए, मैट्रिक्स मैच में पूछा जाता है। जैसे नाटो है, ये 1949 का है। नाटो वन ऑफ द मोस्ट साउट आफ्टर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जहां अगर एक कंट्री पे हमला होता है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बाकी कंट्री खुद पे भी हमला मानते हैं। नाटो का ये मोटिव है, नाटो का ये वर्किंग प्रिंसिपल है। नाटो 1949 में आया है, 1949। एक और टर्म दिख रहा है एशियान, एशियान 1967 में आया है, 1967। आप चाहें तो ट्रिक बना सकते हैं इनके। एक और हेडिंग टाइप में डाला हुआ है सार्क, 1985 में आया है। और फाइनली हम बात करेंगे ब्रिक्स की, तो ब्रिक और ब्रिक्स इन दोनों को आप अलग अलग समझें। पेपर में यह देख लें कि वो ब्रिक पूछ रहा है कि ब्रिक्स पूछ रहा है। हालांकि ब्रिक अब एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें एस लग गया है, साउथ अफ्रीका आ गया है, 2009 में ऐड हो गया है वो, अब ब्रिक्स है। ब्रिक्स का सम्मिट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर इंडिया जा रहा हो सम्मिट को चेयरमैनशिप करने, प्रेसिडेंटशिप अगर इंडिया के पास हो, और संयोग से 2021 का जो प्रेसिडेंटशिप है ब्रिक्स का वो इंडिया के पास है। अब तक इंडिया 3 बार कर चुका है, पहले 2012 में, 2016 में, और अब 2021 में, 3 times ब्रिक्स का चेयरमैनशिप प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिल चुका है। प्रेसिडेंटशिप रोटेट होते रहता है, अगर 2022 पूछा जाए तो आई के बाद सी आएगा यानी चाइना, 23 पूछा जाए तो सी के बाद एस है यानी साउथ अफ्रीका। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को। आप मेन के लिए अगर कुछ इसमें से आर्टिकल निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जस्ट एक समेशन है ये, कुछ भी नया नहीं मिलेगा इसमें आपको, है ना, एक्सेप्ट कि इंडिया को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन के अगर एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद हो बहुत फायदा होगा आपको इसका। बाकी पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल ज्यादा दिख रहे हैं। एक और आर्टिकल है टैप रूट्स टू हेल्प रिस्टोर इंडियाज फेडिंग ग्रीन कवर। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है, जिसे हम ग्रीन कवर कह रहे हैं यहां पे, समझ रहे हैं यहां पे, और इनके जो राइटर हैं वो ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने कुछ सलाह दिया है कि कैसे रिस्टोर किया जाएगा। आप पूरा पढ़ें, जो काम की बात है वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। FAO रोम बेस्ड इंस्टीट्यूशन है और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है यूएन का, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, यानी नॉर्मल एजेंसी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि एफएओ कभी इंडिपेंडेंटली आया था, फिर यूएन ने उसको मनाया कि भाई आ जाओ मिलके काम करेंगे, तो मैं स्पेशल स्टेटस देते हैं हम। ठीक है, हर एक एजेंसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं होता है, ये यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और पेपर में ये टर्म एग्जैक्ट लिखा मिलेगा, अगर नहीं लिखा मिला, अगर कहा जाए कि एक बॉडी है, सीधा कह दिया जाए ऑप्शन में मिले कि एफएओ इज द बॉडी ऑफ यूएन, वो गलत है। FAO इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ यूएन, मस्ट रिमेंबर। रोम में बेस्ड है ये, इटली में। ये हर 5 साल में 1990 से एक रिपोर्ट लेकर के आता है, कब से, 1990 से, हर 5 साल में। उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, जैसे इंडिया में इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट लाया जाता है FSI के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, हर दूसरे साल, वैसे ही हर 5वें साल एक रिपोर्ट लाया जाता है। उस रिपोर्ट्स के कुछ फाइंडिंग को देख लेते हैं। उससे पहले यह इंपॉर्टेंट है कि लाता कौन है, उस एजेंसी की खासियत क्या है,
कितने साल बाद ये पब्लिश होता है। हाल ही में 2020 में यानी पिछले साल रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है, पहला फाइंडिंग ये है कि करीब 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन में बदल गया है, जंगल गायब हो गए हैं। इंडिया लगभग 4.5 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लॉस कर चुका है 1991 से 1995 के बीच। यूपीएससी की आदत है, स्टेट पीसीएस की भी, वो ऐसे ही डाटा उठाते हैं। एज पर द इंडियन, एज पर द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, सीधा कह देंगे 1951 से 1995। आप सोचेंगे यार 2020 चल रहा है तो ये इतना पहले का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सर्वे बहुत ही पहले का किया हुआ होता है, उसे फिर वो एनालाइज करते हैं, उसे फिर रीचेक करते हैं, तब जाकर के डाटा आता है। तो याद रहे 1951 से 1995 तक का डाटा है कि लगभग 4,69,000 मिलियन हेक्टेयर, ये लोग 4.69 मिलियन हेक्टेयर, लाख की तो बात ही नहीं है, 40 लाख हो जाएगा ये, इंडिया लॉस कर चुका है। ये फाइंडिंग है, जरूर याद करें, नोट कर लें इसे। नेक्स्ट फाइंडिंग है कि नियरली 5.03% ऑफ इंडियन फॉरेस्ट आर अंडर प्रोटेक्शन एरिया। आपको याद होगा फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है बहुत सारे तरीके से, प्रोटेक्शन का होता है, कंजर्वेशन का होता है, स्टेट का राइट होता है, विलेज का राइट होता है, एक मैकेनिज्म होता है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी, है ना, ट्राइब्स के लिए, याद होगा आपको। तो ये सारे मैकेनिज्म के तहत 5.03% जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया है इंडियन फॉरेस्ट का, और कुछ ऐसा तो इसमें खास नहीं है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी के बारे में आप, फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट है एक FDRA, जहां पे जो 1927 का एक्ट है उसमें ट्राइब्स को राइट्स दिए गए हैं। ये दो बालिकाएं हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट लाया है, रिपोर्ट लिखा है कि सिटीज आर टेकिंग क्लाइमेट एक्शन, और अपने लिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि यूएन का एक ग्लोबल कैंपेन है, इस कैंपेन का नाम है रेस टू जीरो, यहां दिख रहा होगा आपको, रेस टू जीरो। किस बात का रेस भाई? ये रेस टू जीरो कार्बन एमिशन से रिलेटेड है। यूएन का कहना है कि 2050 तक, कब तक, 2050 तक कार्बन इमिशन हम जीरो कर देंगे। अगर हर तरह के कम्युनिटी से, बिजनेसमैन से, बिजनेस टाइकून से, म्युनिसिपलिटी से, विलेज पंचायत से, अर्बन एरिया वाले से, रूरल एरिया वाले से, हर तरह के लोगों से मिले। अब देखिए ऐसे चीजों में क्वेश्चंस बहुत फंसाने वाले होते हैं। सपोज करो कि ऐसा कहा जाए कि रेस टू जीरो केवल अर्बन एरिया के लिए है, तो एक बात बताओ, अगर रूरल एरिया में कार्बन एमिशन होगा तो क्या वो अर्बन एरिया में नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा ना। जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजें होंगी वो अलग अलग नहीं होगा, वो ग्लोबल लेवल पे होगा, हर एक चीज को वो कवर करेगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट था, रेस टू जीरो कैंपेन है किसका, यूनाइटेड नेशन का, 2050 तक का टारगेट रखा गया है और हर एक कम्युनिटी को इसमें शामिल किया गया, जो भी कंट्रीब्यूशन दे सकता है दे। एक और आर्टिकल आया है, साइंस ओवर स्मोक टावर्स, एयर पोल्यूशन की बात की जा रही है इसमें। एयर पोल्यूशन से याद आता है कि बहुत एवर ग्रीन टॉपिक है ये, हर साल क्वेश्चन बनते हैं पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। एक लेटेस्ट क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि क्वेश्चन आया था कि नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, ये 2019 में लॉन्च हुआ था, ये लेटेस्ट है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। इससे पहले बहुत सारी आई चीज, बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारी चीजें गई हैं। इससे पहले जो था वो था कि एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड स्टैंडर्ड, ये दोनों दो चीजें हैं, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। आप लिखते जाएं, क्योंकि इस पे आपको बहुत पता नहीं चलेगा बाद में कि क्या लिखा हुआ है, मैं पेपर न्यूज पेपर पे ही कर रहा हूं, तो आप अपनी कॉपी में नोट बनाते जाएं। और यकीन माने मेरी तरफ से पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे मेहनत के साथ चीजों को लाया जा रहा है, मैं वो अपना हर एक्सपीरियंस यूज कर रहा हूं, जहां मैं या तो सक्सेसफुल रहा हूं या फेल हो रहा हूं, मैटर वो नहीं करता,
मैटर ये करता है कि मैं एग्जैक्ट वही चीज आपको बता रहा हूं, वही चीजों के बारे में गाइड कर रहा हूं जो एग्जैक्टली पूछे जाते हैं, ना तो इधर ना तो उधर। एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2009 में लाया गया था, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि कुछ गैसेस को उस कैटेगरी में रखा जाए जो एयर को पॉल्यूट करने वाले माने जाएंगे। वो गैसेस टोटल गैस और मैटर मिला करके 12 हैं, जिनमें दो तो पीएमई हो गया, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10.5 वाला, 10 वाला, कुछ और भी चीजें हैं, लेड भी उसमें है, सीसा, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं कौन कौन सी गैसेस हैं, आप चाहें तो नोट कर लें। क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर इंक्लूडेड इन एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो टोटल 12 है, मैं उन 12 का नाम लेता हूं, आप नोट कर लें इसे। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पीएम जिसका साइज 10 माइक्रोमीटर से कम हो, पर्टिकुलेट मैटर, फिर से पर्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया NH3, बेंजीन C6H6, बेंजो, ये बेंजीन से अलग है, बेंजो अलग कंपाउंड है, आर्सेनिक एंड निकेल, ये तमाम चीजें उन 12 में आते हैं जो एयर पॉल्यूशन के कारण माने जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये कौन डिसाइड करता है कि एयर पॉल्यूट है कि नहीं, ऑथोरिटी कौन है और कानून क्या है। ऑथोरिटी का नाम है CPCB, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कंट्रोल बोर्ड फॉर पॉल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है ये CPCB। ये सारे मेजरमेंट लेकर के आता है, ये स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। पहले सबसे पहले इसने किया 2009 में, 12 चीजों को उसमें इंक्लूड, धीरे धीरे ऐड हो रहा है, उस टाइम पे 12 नहीं था, अभी 12 है टोटल CPCB से, ठीक है। CPCB एक्ट जो यूज करता है, एक एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, मैं सिंपली इसको एयर एक्ट कह रहा हूं, एयर एक्ट का मतलब इसको गंदा नहीं करना है, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन वाला एक्ट है ये, 1981 में आया था, आपको हैरानी होगी जाकर जान करके कि वाटर एक्ट इससे पहले आया था, पहले पानी की जरूरत पड़ी थी हमें, बाद में हवा की जरूरत पड़ी है। 1981 में एक एक्ट आया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, डिटेल में सिंपली एयर एक्ट याद रखो 1981 का। उसमें CPCB को, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ये राइट दिया गया है कि आप एयर की क्वालिटी जैसे हो सुधारें, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड ये चीजें मुझे याद आ रही है, और ये पेपर में बराबर पूछा जाता है घुमा फिरा करके। एक और चीज बताएं आपको कि इंडेक्स जो यहां मैंने लिखा हुआ है, एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड अलग चीज है और इंडेक्स अलग चीज है। इंडेक्स फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है अक्टूबर 2014 में, इंडेक्स 2014 में, स्टैंडर्ड आया 2009 में, नेट एयर क्लीन प्रोग्राम, नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम, नेट इसलिए बोल दिया, यहां NAT करके मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ था, केवल 2019 में 12 इसमें 12 चीजें एडेड हैं इसमें जो पॉल्यूशन के कारण माने जाते हैं। 81 का एक्ट है जो CPCB को पावर देता है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि एयर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन वो कुछ भी घुमा ले, कितना भी घुमा ले पूछेगा। हाँ, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड स्टेट, सिटी, कंट्री पूछ सकता है। एक और इसमें आर्टिकल है कि पावर क्राइसिस इन चाइना, सोच के हैरानी होती है कि वो चाइना जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल है, वहां पावर क्राइसिस किस बात का। एक्चुअली इसके कुछ प्रोविनेंसेस में पावर क्राइसिस पिछले कुछ दिनों से, जो लगभग की फोर्टनाइट में कन्वर्ट होने जा रहा है, लगभग 15 दिनों में कन्वर्ट होने जा रहा है, इनका जो कोल प्रोडक्शन है वो काफी लो हो गया है। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट प्रोमिसेस प्रोव इनटू पेंडोरा पेपर्स। अब ये पेंडोरा पेपर्स नाम ही से ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो, ये गालमेल वाले पेपर हैं जिसमें इलीगल ट्रांसफर, इलीगल एक्टिविटीज, ऐसा कुछ पेपर जो पहले वो विकिलीक्स का याद कीजिए, बहुत पहले आया था, है ना। एक वेबसाइट है, इसका नाम है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट,
ICIJ, ये एक US बेस्ड NGO है, खुद को तो यही कहता है, ये नॉन प्रॉफिट के लिए काम करता है। ये इसने कुछ पेपर पब्लिश किए, उस पेपर में कुछ इंडियन बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनमें सचिन तेंदुलकर का भी नाम आया है, तो उसके रिकॉर्डिंग ये आर्टिकल है। इस पेपर को पब्लिश करने वाला इंपॉर्टेंट है, वो है ICIJ। ICIJ US बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी आप इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो डिटेल में पढ़ लें, अदरवाइज और कोई काम का चीज नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा न्यूज आपका इंतजार कर रहा हो। ये वो सारे न्यूज हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर ग्रुप को उस पे लैस किया। एक आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने दो नए DRDO पॉलिसीज लाए हैं। DRDO को आप मिस नहीं कर सकते, DRDO, CSIR, ISRO, इन तीनों में से किसी एक से एक क्वेश्चन तो जरूर होना है। DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, इसका काम है नए नए डिफेंस इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट डेवलप करना। और इस रेफरेंस में मुझे एक याद आ रहा है, एक ड्रोन है जिसका नाम है उल्का। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, उल्का क्या है, DRDO उल्का। अगर उल्का वो हिंदी में देखें तो वो अलग चीज है, DRDO उल्का एक ड्रोन है जो DRDO ने, ये एयरक्राफ्ट नहीं है, कोई इंजन नहीं है, रैमजेट स्क्रैमजेट नहीं है, ये एक ड्रोन है, एयर ड्रोन है जो डिलीवरी कर सकता है एक लिमिटेड एरिया में लिमिटेड चीजों को। एक और है अवतार, इसके नाम के आगे अगर DRDO नहीं भी लगा हुआ है तो भी आपको याद रखना है, अवतार एक DRDO डिजाइंड एयरक्राफ्ट है, A4 एयरक्राफ्ट ही वहां पे आता है, एयरक्राफ्ट व्हीकल है ये, स्क्रैमजेट रैमजेट और बाकी के जो फीचर्स होते हैं इंजन के, नए नए जो तरीके आ रहे हैं उनमें से किसी एक पे काम करता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अवतार, स्क्रैमजेट, रैमजेट किस पे काम करता है। तो DRDO से ये दो चीजें याद आती है आपके लिए में। DRDO की पॉलिसीज क्या है, इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप DRDO को जानते हैं, कब एस्टेब्लिश हुआ था ये आप जरूर जानते हैं, ये 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था DRDO। और CSIR कब हुआ था, CSIR 1942 में हुआ था। DRDO 1958 में एस्टेब्लिश हुआ है, इसके बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। उल्का इसका ड्रोन है, अवतार इसके द्वारा डिजाइनेटेड एयरक्राफ्ट। अब हम आज के लास्ट आर्टिकल पर आ चुके हैं और ये आज का लास्ट आर्टिकल देखिए कहाँ है, जहां तक मुझे याद है वो एक फाइनल बट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बाकी ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं कि 50,000 मना नहीं करेगा, गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है, ये इकोनॉमी के पोर्शन में ही मिलना है। नेट ऑयल इंपोर्टर इंडिया लेफ्ट विथ फ्यू ऑप्शंस एज प्राइस सर्ज, ऐसे आर्टिकल आपको डे टू डे मिलते रहते हैं। अगर इनसे छोटी छोटी चीजों को भी आप कंप्लीट करें तो कंप्लीट आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गैस इंपोर्ट और ये ऑयल इंपोर्ट, लार्जेस्ट कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं और इनसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर ऑयल इंपोर्टर की बात करें तो इंडिया को सबसे ज्यादा ऑयल इराक देता है, नंबर वन, नंबर टू पर सऊदी अरबिया है, नंबर थ्री पर UAE है और नंबर फोर पर US है। एक और क्वेश्चन आता है, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है इंडिया के लिए, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है इंडिया के लिए, तो इनमें नंबर आता है नेचुरल गैस की अगर बात करें
तो इनमें आता है कतर का नंबर वन पर है, यूएई सेकंड नंबर पर है, इसमें नाइजीरिया थर्ड पर है और यूएसए फिर से फोर्थ पर है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चौथे नंबर पर आता है इंडिया को तेल बेचने और गैस बेचने के नंबर, ठीक है, कभी फर्स्ट पे नहीं आता है। वहां सेल रिवॉल्यूशन जरूर हुआ है लेकिन अब इतना ज्यादा वो इंपोर्ट नहीं करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नेचुरल गैस का कौन है तो वो यूएस है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में ये सारे आर्टिकल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, आप इन्हें बार बार देखें, दो चार बार तो जरूर देखें अगले एक साल में। ये मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, मैंने आपको एक प्री के कुछ सर्टेन क्वेश्चंस बता दिए हैं जो जरूर आएंगे। चलिए, धन्यवाद।